शहर हैदराबाद, जिसकी बुनियाद में मोहब्बतें हैं, तहजीब व तमद्दुन है, आदाब व इखलाक, इल्म व फन, मेहमान नवाजी, शेर व अदब और रवादारी रिची बसी है। ये कदीम इकदार का शहर है और जदीद रुझानात का भी शहर है, और सबसे बढ़कर 400 साल से ये उर्दू का शहर है। इस शहर को कुतुबशाही खानदान के अजीम शान बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। इस शहर को उस दौर में मंसूबाबंद तरीके से तामीर किया गया। कहा जाता है कि शहर हैदराबाद को मोहम्मद कुली ने अपनी महबूबा भागमती, जिसे बाद में हैदर महल का खिताब दिया गया था, उसी के नाम पर यह शहर आबाद किया गया। जिस शहर के खमीर में मोहब्बत रची बसी हो, उसे भला फलने फूलने और पनपने से कौन रोक सकता है। 13वीं सदी के आखिर में मुसलमान शुमाली हिंद से दखल लेने वाले और अपने साथ जिंदगी के जदीद तसव्वुरात और माशरत के नए असालीब उठा लाए, जिनके जरिए नए समाज की तंजीम पड़ी। उलमा व सूफिया ने अपनी महफिलें सजाई। कहा जाता है कि अमीर खुसरो भी यहां कदम रंजा हुए। दौरे खिलजी व तोगलक के बाद दक्कन में सल्तनत बहमनी की तासीस हुई, तो इस सल्तनत की आबोताब सदियों तक दक्कन को मुनव्वर करती रही। बहमनी सलातीन बड़े मुदब्बिर हुक्मरान थे। सलातीन बहमनी का सबसे बड़ा कारनामा उर्दू जबान की सरपरस्ती है, जिसकी वजह से दक्कन में जगह जगह अदबी मराकज कायम हुए, जिनमें गुलबर्गा, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, औरंगाबाद और गोलकुंडा आज तक अदबी मराकज के लिए याद किए जाते हैं। मोहम्मद तोगलक ने जब दौलताबाद को पायतख्त बनाया, जो पहले देवगिरी कहलाता था, तो उस वक्त दूसरे लोगों के साथ उलमा की 1400 पालकियां आईं, और इन लोगों के साथ जो फौज पर भी थी, दफ्तरी लोगों पर भी मुनहसर थी, और उनकी जो जबान थी वो जबान लश्करी उर्दू या मिलवा जबान थी, जो सारे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाती थी, और हिंदुस्तान की तमाम जबानें बोलने वाले इससे मानूस थे, ज़्यादा अजनबियत महसूस नहीं करते थे, जबकि अरबी और फारसी उनके लिए गैर मानूस जबानें थीं। इसीलिए इन इलाकों के अवाम तक पहुंचने के लिए उलमा को इस जबान का सहारा लेना पड़ा और अपनी मजहबी जबान अरबी और तहजीबी जबान फारसी को छोड़ते हुए मकामी जबान में अपनी तालीमात यहाँ के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी पड़ी। बहमनी दौर में जो अब तक की दस्तियाब मालूमात हैं, उनके एतबार से जो पहली मसनवी दस्तियाब होती है, वो मसनवी कदमराव पदमराव है। बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद दक्कन का इलाका 5 खुद मुख्तार रियासतों में बढ़ गया। बीजापुर पर आदिलशाही, अहमदनगर पर निजामशाही, बरार पर इमादशाही, बिदर में बुरीदशाही और गोलकुंडे पर कुतुबशाही सल्तनत कायम हुई। इन 5 सल्तनतों में बीजापुर की आदिलशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही सल्तनत उर्दू शेर व अदब की तरक्की और तरवीज के सिलसिले में नुमायां नजर आती है। उर्दू की तरक्की के सिलसिले में आदिलशाही दौर बड़ी अहमियत का हामिल है। उस दौर की तख्लीकी सरगर्मियों में फन तामीर और खत्ताती भी नुमायां है। आदिलशाही सल्तनत का बानी यूसुफ आदिलशाह ज़ौक़ शेरी रखता था और अहले इल्म फन की कदरदानी किया करता था। आदिलशाही खानदान के तकरीबन तमाम हुक्मरानों में ये सिफत खदरे मुश्तरक थी। आदिलशाही हुक्मरानों में अली आदिलशाह सानी शाही को खास अहमियत हासिल है। अली आदिलशाह सानी, जो शाही के तखल्लुस से मशहूर हुआ है, उसके ज़माने के मलिक-उश-शुअरा मोहम्मद नुसरत नुसरती ने अपनी 3 ऐसी तसानीफ यादगार छोड़ी हैं जो कदीम उर्दू का बेहतरीन सरमाया कही जा सकती हैं। उसकी पहली बज़मिया मसनवी गुलशन-ए-इश्क है, और दूसरी मसनवी जो रज़मिया है अलीनामा है। ये दोनों ही मसनवियाँ अपनी अपनी जगह नुमाइंदा मसनवियाँ कही जा सकती हैं। गुलशन-ए-इश्क में मोहम्मद नुसरत नुसरती ने ककवर मनोहर और मधमालती की मोहब्बत की दास्तान को पेश किया है, और ज़िमनी दास्तान चंपावती की जो उसमें शामिल कर दी है, वो इस खूबसूरती से उसने शामिल की है कि पता ही नहीं चलता कि ये मसनवी इसका अपना तख्लीकी कारनामा नहीं है, बल्कि इसकी कहानी उसने हिंदुस्तानी रिवायात से मुस्तार ली है। दूसरी तरफ
अलीनामा जो है वो मसनवी रजमिया मसनवी की एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई दूसरा नमूना हमें ताहाल उर्दू अदब में दस्तियाब नहीं होता। गोलकुंडे के पहले चार सलातीन सुल्तान कुली, जमशेद कुली, सुभान कुली और इब्राहिम कुली अपनी सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए ज्यादा मसरूफ है। इब्राहिम कुली अगरचे के खुद शायर ना था, लेकिन उसके दौर में गोलकुंडे में उर्दू दक्कनी जबान व अदब का ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि अवाम के अलावा खुद शहजादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह शेर व अदब का रसिया था, जो आगे चलकर उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहलाया। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कनी के अहम और नुमाइंदा शायरों में से एक है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि न सिर्फ दक्कनी बल्कि इस एतबार से कि वह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है जिसने हरूफ तहजी के एतबार से गज़लियात कहीं और मुकम्मल एक दीवान तरतीब दिया। इस एतबार से भी उर्दू अदब की तारीख का एक मुमताज़ और मोतबर शायर है। जब हम इसके कलाम का मुताला करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह हकीकी मानों में एक अवामी शायर था। अगरचे वो बादशाह था और महलात के ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन तख्लीकी एतबार से हम देखते हैं कि उसके ज़हन व फ़िक्र पर अवामी ज़िंदगी का गहरा असर था। चुनाचे उसके कुलियात में हमको दक्कन के जो अवामी तहजीब के मज़ाहिर हैं, दक्कन के त्यौहार, दक्कन की रसूमात और दक्कन के मौसम, दक्कन के फल, दक्कन के मेवे, दक्कन की तरकारियाँ, हत्ता के दक्कन के जानवरों और परिंदों का जिक्र भी उसकी शायरी में हमको नज़र आता है। कुतुबशाही दौर का एक अहम फनकार मुल्ला असदुल्ला वजही गुजरा है। ये इस एतबार से अहम है कि उसने दक्कनी शायरी के अलावा दक्कनी नसर में भी अपनी तख्लीकात यादगार छोड़ी हैं और ये उर्दू का पहला दास्तान नवीस फनकार गुजरा है जिसने सबरस के नाम से एक लाजवाल दास्तान दक्कनी ज़बान में लिखी। ये उर्दू की पहली दास्तान है और सबरस के ज़रिए उसने दक्कनी ज़बान को बाएक जस्त इर्तिखा की कई मंजिलें तय करवा दी कि वो ज़बान जो हमको 45 साल कबल बीजापुर के शाह बुरहानुद्दीन जानम के नसरी रिसाले कलिमतुल हकायक में घुटनों के बल चलती हुई नज़र आती है, वही ज़बान 45 साल बाद मुल्ला वजी की सबरस में दौड़ती, अठखेलियाँ करती और छलांगे लगाती नज़र आती है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हमले के बाद कुतुबशाही सल्तनत का खात्मा हुआ और रियासत गोलकुंडा मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन गई। मुग़ल सूबेदार की हैसियत से रियासत गोलकुंडा में नवाब कमरुद्दीन अली खान आसिफ जाह अव्वल को मुकर्रर किया गया और रियासत का पायतख्त गोलकुंडा से औरंगाबाद मुंतकिल हो गया। औरंगजेब के इंतकाल के बाद तवायफुल मुल्की फैल गई, लेकिन नवाब कमरुद्दीन खान मुग़ल सल्तनत के वफादार ही रहे। लेकिन जब इंतशार हद से गुजर गया तो उन्होंने 1724 ईस्वी में अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान कर दिया और इस तरह हैदराबाद में आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद पड़ी। आसिफ जाह सानी निज़ाम अली खान के दौर में औरंगाबाद से पायतख्त हैदराबाद मुंतकिल हुआ और चौमहला पैलेस में वो तख्त नशीन हुए। आसिफ जाह सानी ने इल्म व फन, शेर व अदब की भी भरपूर सरपरस्ती की। आसिफ जाही तमाम हुकुमरानों ने भी इस रवायत को बरकरार रखा। एक अरसे तक रियासत हैदराबाद में फारसी को नज्म व नक्त में ऊंचा मकाम हासिल था, लेकिन आसिफ जाही हुक्मरानों ने जल्द ही महसूस कर लिया कि रियासत की बका, तरक्की और अवाम की बहबूदी व खुशहाली का इनेकाद इस पर है कि अवाम की जबान को आगे बढ़ने और फूलने फलने का मौका दिया जाए। नवाब मीर महबूब अली खान आसिफ सादस के अहद में पहली बार उर्दू को सरकारी जबान का मुकम्मल दर्जा हासिल हुआ। उर्दू को रियासत हैदराबाद में सरकारी जबान बनने में तकरीबन 15 साल तवील मुद्दत का सफ़र तय करना पड़ा। बशीरुद्दौला की जो खिदमात हैं रियासत हैदराबाद में उर्दू को नाफिज करने के सिलसिले में वो बहुत अहमियत रखती हैं। उन्होंने सबसे पहले रियासत हैदराबाद में फ़ारसी के बजाय
उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने के लिए बहुत मौसर तहरीक चलाई। इन्हीं की तहरीक पर सबसे पहले सन 1871 में अदालतों में उर्दू में बयानात की कलमबंदी की इजाज़त दी गई। सन 1886 में मोतमदीन के दफातर में भी उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से नाफिस किया गया। इस बारे में आसफ़ सादत से मंजूरी लेने के बाद मदारुल महाम सालार जंग दुवम के अहकाम मौरखा आखिरी ज़ेखा 1303 हिजरी मुताबिक 30 अगस्त 1886 जारी हुए, जिसमें मोतमदीन के दफातर में उर्दू को नाफिज करने की इत्तला दी गई है। मोतमदीन के दफातर में उर्दू को नाफिज करने के बाद रियासत हैदराबाद में उर्दू को मुकम्मल तौर पर सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल हुई। उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने के सिलसिले में शुमाली हिंद के जिन मोतबर शख्सियतों की मदद ली गई, उनमें इमादुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, चिराग अली, डिप्टी नज़ीर अहमद वगैरह के नाम काबिले जिक्र है। रियासत हैदराबाद में बाहद आसिफ सादस नवाब मीर महबूब अली खान 1884 ईस्वी उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया। अकबर हैदरी 1911 ईस्वी में मोतमद तालीमात हुए तो उन्होंने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़ियाम के लिए बड़ी दिलचस्पी ली और बहुत तवज्जो दी। उन्होंने बड़े पैमाने पर मदारिस में उर्दू ज़रिए तालीम मुकर्रर करने का जब अहकाम जारी किए तो उसे बड़ी ख़ास अहमियत हासिल हुई। और अकबर हैदरी के अलावा हैदराबाद में हैदराबाद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सिलसिले में, यानी हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में सबसे ज़्यादा मौसर तहरीक चलाई। उस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ये चाहते थे कि हैदराबाद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी क़ायम की जाए जहाँ उलूम व फ़नून और साइंस की तालीम उर्दू में दी जाए। अकबर हैदरी ने ज़रूरी इंतज़ाम करने के बाद एक तफसीली याददाश्त तैयार की यूनिवर्सिटी के क़ियाम के बारे में, और उस याददाश्त को उस वक्त के वज़ीर तालीमात फ़खरुल मुल्क बहादुर ने अपनी अर्ज़दाश्त मौरखा 22 अप्रैल 1917 को आसफ़ साहबे की खिदमत में पेश किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़रिए तालीम के लिए ये इस्तदलाल पेश किया कि उर्दू रियासत हैदराबाद की सरकारी ज़बान है और मुल्क की भी एक बड़ी मकबूल ज़बान है, और रियासत हैदराबाद की आबादी की अक्सरियत इस ज़बान को समझती और बोलती है। अकबर हैदरी की याददाश्त की अहमियत और इफादियत को पेश नज़र रखते हुए चौथे रोज़ आसफ़ साहबे ने 26 अप्रैल 1917 को फरमान सादिर किया कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क़ायम करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इस यूनिवर्सिटी में ज़रिए तालीम उर्दू होगा लेकिन अंग्रेज़ी एक मज़मून की हैसियत से हर तालिबे इल्म के लिए लाजमी गर्दानी जाएगी। जामिया उस्मानिया बाअहद आसिफ साबे मीर उस्मान अली खान दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया का क़याम 14 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ। उर्दू ज़बान में साइंस और दीगर उलूम की किताबों की कमी के बाद इब्तिदा में ज़रिया तालीम उर्दू में दुश्वारी पेश आई, फिर थोड़े ही अरसे में जामिया उस्मानिया में तालीफ़ व तर्जुमा, जिसे उर्फ़ आम में दारु तर्जुमा कहते हैं, कायम किया गया और इस दुश्वारी पर काबू पा लिया गया। तालीफ़ कुतुब के लिए इहाता यूनिवर्सिटी में प्रेस का क़याम भी अमल में लाया गया। जामिया उस्मानिया का क़याम 1918 में हुआ, उससे एक साल कबल 1917 तारीख बताई गई है कि
14 अगस्त 1917 को दारू तर्जुमा जामे उस्मानिया का ख़याम अमल में लाया गया, क्योंकि 1918 में यूनिवर्सिटी की तालीम का आगाज़ हो रहा था, तो लाजमी है कि सबसे पहले इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए उलूम व फ़नून की किताबें दस्तियाब नहीं थीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उलूम व फ़नून की किताबों का इंतखाब किया गया और उन किताबों को तर्जुमा करने के लिए दारुल तर्जुमे में मुतरजमीन का इंतखाब अमल में लाया गया। मुख्तलिफ उलूम व फ़नून जैसे मेडिकल की किताबों की ज़रूरत थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी जैसे साइंसी उलूम की, उसके अलावा क़ानून की किताबों की ज़रूरत थी, इंजीनियरिंग की क्लासेस भी उर्दू में होती थी। ये तमाम उलूम व फ़नून की किताबों को तर्जुमा करने के लिए सारे हिंदुस्तान से आलिम व फाजिल लोग जमा किए गए, जो उलूम व फ़नून की किताबों को तर्जुमा करने के बाद नाज़िर अदबी और नाज़िर मज़हबी उस पर नज़र सानी करते जब तक उनका मुसद्दका सर्टिफिकेट ना हो, किताब शाये करने के लिए नहीं भेजी जाती थी। एक मुख्तसर से अंदाज़े के बाद ये बताया गया है कि 1917 से लेकर 1950 तक दारुल तर्जुमा जामे उस्मानिया हैदराबाद में 129 मुतरजमीन का तकर्रुर अमल में आया। सल्तनत आसिफी की सरकारी जबान उर्दू और उसके साथ ही जामे उस्मानिया का क़याम, दारुल तर्जुमा, दायरतुल मारूफ का क़याम और ज़रिए उर्दू आला तालीम का हुसूल, रियासत का दारुल हुकूमत हैदराबाद उर्दू का गहवारा बना। 1940 के बाद अखबारात का मिजाज हैदराबाद के बदला, ज़रूर बदला। इससे पहले तो ये कि जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शाही हुकुमरानी थी, ख़ानदानी हुकुमरानी थी, निज़ाम की हुकुमरानी थी, तो मदासराई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और शाही फरमान जारी किए जाते थे, उनको शाया किया जाता था, ज़्यादातर सर्कुलेशन इन्हीं बुनियादों पर हुआ करता था। लेकिन अवामी मसाइल का भी ज़िक्र था, ऐसा नहीं कि सिर्फ फरमान ही शाया होते थे। उस दौर के अखबारात में बहुत से ऐसे सोशल मसाइल, पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह को भी कवरेज किया जाता था और उस वजह से ये अखबारात मेरी दानिश में मुकम्मल ही थे। इनको आप जो है कोई ऐसे अखबारात नहीं कह सकते जो गैर मियारी थे। इनका अपना मियार था, हर मियार का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो हर दौर में अलग होता है। उस दौर का जो मियार था, जो मिजाज था सहाफत का, उस लिहाज से हैदराबाद से शाया होने वाले अखबार निज़ाम, गज़ेट, पयाम वगैरह जो है, मीज़ान, ये अपना एक मिजाज रखते थे। सुबह दखन, अगर किसी अखबार का जिक्र किया जा सकता है तो वो रहबर दखन है, जो 1950 तक रहबर दखन के नाम से शाया हुआ। ये अखबार 1950 से बंद हो गया था पुलिस एक्शन के बाद, इसके बाद इसका रिवाइवल हुआ, तो रिवाइवल में दूसरा डिक्लेरेशन लेकर इसका नाम रहबर रहनुमाए दखन रखा गया। 50 ता 60 की दहाई में हैदराबाद में उर्दू माहौल की जरखेज़ी, ये कोई 40-50 साल पहले के हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, और ये वो हैदराबाद था जिसमें एक तरह से हर तरफ उर्दू का माहौल छाया हुआ था। उर्दू तहजीब का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, समझिए एक तरह की उस तरह की वो तहजीब थी जिसमें हर तरह के लोग शामिल थे। मैंने उस वक्त कुछ लिखना शुरू किया था नया नया, तो उस ज़माने में बहुत अच्छे लिखने वाले मौजूद थे, मखदूम साहब मौजूद थे, सुलेमान अरीब थे, वहीद अख्तर, शाज तमकनत, इब्ने अहमद ताब, हौज याकूबी, बाल किस किस का नाम लें हम, ये सब के सब लोग थे। और माहौल कुछ इस तरह का था उसमें कि गोया कोई रस्मी किस्म की चीज़ नहीं थी, बल्कि गैर रस्मी तौर पे बेतकल्लुफ अंदाज में हम लोग रोज़ मिला करते थे। और मिलने के दो अड्डे थे, एक 17, अब 17 नंबर क्या क्या समझेंगे, वो था 17 नंबर मुजर्रद गाह जिसको कहते थे उर्दू में, बैचलर्स क्वार्टर्स। तो ये 17 मुजर्रद गाह ये पता था सभा का, तो रोज़ाना सुबह 11 बजे से हम लोग सब वहाँ जमा होते थे, सुलेमान अरीब आते थे और वहाँ से गया, वहाँ से हिंदुस्तान का एक बहुत सफ़े अव्वल का रिसाला सभा छपता था। हैदराबाद के चंद मशहूर अदबा व शुरा के नाम अमजद हैदराबादी, मखदूम मुहीउद्दीन, सिकंदर अली वज्द, सुलेमान अरीब, शाहिद सिद्दीकी,
خورشید احمد جامی، شاستم کنت، مغنی تبسم اور مشتبہ حسین وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا نام سر فہرست اس لیے ہے کہ دکنی ادب کی بازیابی اور ادارہ ادبیات اردو کا قیام اور سبرس کا ادرا زور صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اردو ادب کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حیدرآباد کے اس اردو ماحول پر روشنی ڈالوں جو میرے زمانے میں تھا، یا جو میرے طالب علمی کے زمانے میں تھا، یا نوجوانی کے زمانے میں تھا، تو صاحب اس کے لیے تھوڑی سی روایت سے بھی ہمارا رشتہ جو بنتا ہے وہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد سراسر اردو کا ماحول تھا حیدرآباد میں، اور یہ اردو کا ماحول عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے فوراً بعد، جب مخدوم محی الدین، میر حسن، مرزا شکور بیگ، اشفاق حسین، عاقل علی خان وغیرہ جیسے لوگوں کے اچانک ابھرنے سے، عابد علی خان، محبوب حسین جگر، اور ان سب کے ابھرنے کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہوا تھا، اس کا تسلسل ہم لوگوں کی طالب علمی کے زمانے تک، جس جو میں 50s کی بات کر رہا ہوں، 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں جو ماحول وہ ہم کو ملا تھا ورثے میں، اور یہ بڑا توانا ماحول تھا، مخدوم اور سکندر علی بٹ وغیرہ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ماحول تھا۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کہ سب ہمارے زمانے میں ادبی محفلیں جو ہوا کرتی تھیں وہ بڑی بے مثال، ایسے لاجواب مشاعرے ہوا کرتے تھے، کل ہند مشاعرے، ادبی محفلیں روزمرہ میں شامل تھے ہمارے، چاہے وہ سلیمان عریب ہوں، چاہے شاہ صدیقی ہوں، خیرات ندیم ہوں، شمس الدین تابا ہوں، یا اور کئی نام ہیں جن کا ذکر ہو سکتا ہے، بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، مگر یہ کہ بڑا زرین ماحول تھا۔ دیکھیے کہ جب ہم نے شاعری شروع کی، یہ پانچویں دہائی تھی 1950 سے، تو اس زمانے میں مخدوم، جامی، عریب، ان لوگوں کا باشعرہ تھا، ابن احمد تاب تھے، منوہر لال شارف تھے، یہ لوگ مشاعرے پڑھتے تھے، ہم ان کو سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے۔ یہ دراصل ترقی پسند گروہ تھا، اور لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جب جدیدیت کی طرف رجحان شروع ہوا، تو اس وقت خود مخدوم صاحب نے جدید شاعری کی، ان کی بعض بڑی نظمیں ہیں جو کافی جدید ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کا چیپٹر تقریباً ختم ہو گیا، اور 60 کی دہائی سے پھر نوجوان نسل سامنے آئی، جس میں علی الدین نوید، غیاث الدین، رؤف علش، حسن فرخ، مسعود عابد، اور یہ بہت سے شعرا تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ زیادہ مشاعرے نہیں کرتے تھے، مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس کے بجائے ان لوگوں نے طبعات کی طرف زیادہ توجہ دی۔ یہ نسل جو ابھری وہ ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد ان کے نام نمایاں ہوئے، جس میں خاص طور سے حیدرآباد سے اقبال متین اور جیلانی بانو، جنہوں نے پوری اردو دنیا میں اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائی۔ لیکن جو لوگ ترقی پسندی پہ مضبوطی سے قائم رہے، اس میں سب سے نمایاں نام عاطف شاہ کا ہے، اور انہی کے ہم عصر لوگوں میں کچھ لوگوں نے جدیدیت کے اثرات قبول کیے، مثلاً عوض سعید جو پہلے روایتی کہانیاں لکھتے تھے، انہوں نے جدیدیت کا اثر قبول کیا، نعیم زبیری بین بین رہے، لیکن آمنہ ابوالحسن جو تھی وہ بھی انہوں نے بھی اعتدال کا رویہ اختیار کیا، نہ وہ پوری طرح ترقی پسند تھی نہ جدید تھی، لیکن ایک ان کا رویہ اعتدال کا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مقبول رسائل میں چھپنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے، جن میں اکرام جاوید ہیں، ابراہیم شفیق، رضا الجبار اور فریدہ زین، یاسین احمد وغیرہ۔ حیدرآباد میں ادبی جلسہ اور مشاعروں کی ایک تہذیب رہی ہے۔ کیا وقت زندگی نے دکھایا ہے دوستو، اندھوں کے ہاتھ آئینہ آیا ہے دوستو، کیا وقت زندگی نے دکھایا ہے دوستو، اندھوں کے ہاتھ آئینہ آیا ہے دوستو، جس کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی،
मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। हैदराबाद के काबिल-ए-दीद इमारतों में जहां चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा, गुंबद-ए-कुतुबशाही और टोली मस्जिद फन तामीर का नादिर नमूना है। इसके अलावा फलकनुमा पैलेस, हाई कोर्ट, उस्मानिया दवाखाना, जुबली हाल आज भी काबिल-ए-दीद है। शहर में बेशुमार तफरीही मकामात मौजूद हैं। सालार जंग म्यूजियम की तो बात ही कुछ और है, जहां दुनिया भर के सयाह इसे देखने आते हैं और इन नवादिरात को देखकर अंगुष्ट बदंदा हो जाते हैं। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जो मुश्तरीका तहजीब की अलामत। गौर से देखा जाए तो इसमें दो तहजीबों की अलामतें साफ नुमाया नजर आती हैं। इस पत्थर की इमारत का बालाई हिस्सा मुगल तर्ज तामीर की नशानदही करता है। ये एक तहजीब की अलामत है, जबकि जामे का जेरी हिस्सा काकतिया तर्ज तामीर का एक आला नमूना है, जिसे हैदराबादी गंगा जमुनी तहजीब की पूरी अट्टासी मिलती है। शहर के महलों के नाम भी उर्दू तेलुगु के लफ्जों को मिलाकर रखे गए हैं, जैसे शाहली बंडा या खुदपुरा, नाम पल्ली, खुद भी गुड़ा। इनमें बंडा, पूरा, गुड़ा तेलुगु के लफ्ज हैं। बेशतर नाम इसी ढप से वजा किए गए हैं। आज हैदराबाद हिंदुस्तान का पांचवां बड़ा शहर है और ये शहर अपनी कदीम जोग्राफियाई हदों को पार कर चुका है। आज ये शहर कदीम तहजीब की अलामत भी है और जदीद रुझानात का आईनेदार भी। हिंदुस्तान भर में बेंगलुरु के बाद आईटी में सारी दुनिया में हैदराबाद को एक मुमताज मकाम हासिल हो चुका है। सारी दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर्स कंपनियां दफातर यहीं से दूसरे ममालिक के लिए काम करती हैं और कंप्यूटर के पेशे से जुड़े हुए हिंदुस्तान भर के नौजवानों के लिए हैदराबाद एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। शहर अपनी वसत में काफी फैल चुका है। कदीम और जदीद तामीरात ने शहर को एक नया रंग रूप दे दिया है। शहर में खूबसूरत मॉल्स, 5 सितारा होटल, कई कारपोरेट अस्पताल भी हैं, जहां सारी दुनिया से लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। उर्दू के अखबारात हैं, रसायल हैं, हिंद और बैरून हिंद से रसायल भी यहां आते हैं। अदबी महफिलों, अदबी कॉन्फ्रेंसों, आलमी मुशायरों के निखात के लिए उर्दू घर, ऐवान उर्दू और उर्दू हाल से इस्तेफादा किया जाता है। आज हैदराबाद के उर्दू अखबारात असरी टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। हैदराबाद के कुतुब खाने, आसिफिया लाइब्रेरी, निज़ाम टुस लाइब्रेरी, अंजुमन तरक्की उर्दू की लाइब्रेरी न सिर्फ तशनगाने उर्दू के लिए बायस कशिश बनी हुई है, बल्कि रिसर्च स्कॉलर इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद को हमेशा उर्दू जबान के लिए मरकजियत हासिल रही, इसलिए हुकूमत हिंद ने जामिया उस्मानिया के खतूत पर हैदराबाद में मौलाना आज़ाद कौमी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया, जहाँ तमाम पेशावराना कोर्सेज की तालीम बज़ुबान उर्दू दी जाती है, जिसमें बेशुमार तुलबा उर्दू में पेशावराना तालीम हासिल करके रोजगार से जुड़ रहे हैं। हैदराबाद खेलकूद में भी काफी शोहरत रखता है। टेनिस में सानिया मिर्जा, बैडमिंटन में साइना नेहवाल के नाम सारी दुनिया में मशहूर है। क्रिकेट में अब्बास अली बेग, जैसी माह, आबेद अली के अलावा अजहरुद्दीन, वीवी लक्ष्मण के नाम भी नुमाया है। हैदराबाद फुटबॉल के लिए भी काफी शोहरत रखता था। यहाँ के कई खिलाड़ी फुटबॉल के ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। हैदराबादी लिबास में खवातीन के लिए खड़ा दुपट्टा और मर्दों के लिए शेरवानी हैदराबाद की पहचान है। हैदराबाद अपने तवाज़ो में सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के खानों में बिरयानी, हलीम, बघारे बैगन, मिर्चियों का सालन और मीठे में खुबानी का मीठा काफी शोहरत रखते हैं। मेरा शहर लोगां सु मामूर कर, रखिया जूं तू दरिया में मिंग्या समीर।